सो गाइस देख सकते हो नैनीताल बहुत खतरे में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये जो सामने से देखकर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा डरावना है, सही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डरावना देखने में लग रहा है गाइस। ये पूरा यहाँ पे से लेकर ये पूरा जो है देखो पूरा धंसते जा रहा है, ये पूरा तालाब के अंदर चले जाएगा ये कुछ टाइम बाद। बहुत ज़्यादा डेंजरस इलाका है, इसको बंद भी कर दिया गया उधर से। इधर सामने देख सकते हो आप, इधर से पूरा बंद कर दिया है, टीन वगैरह लगा के, और उधर साइड भी बंद कर दिया है। एक टाइम पे इधर सामने जो दिख रहा है आपको ये पॉइंट, यहाँ पर चांद के पार चलो की शूटिंग हुई थी, बैंड हाउस कहते हैं इसको। सो ये है, और देखिए, और कुछ टाइम पहले सामने मॉल रोड में जो है सामने उधर साइड फुटेजेस भी दिखा दूँगा मैं आपको, सामने वो पूरा पूरा रोड ही चल दिया था उधर से, रोड है पूरी क्रैक हो गई थी, वो अंदर घुस गई थी पूरी, सही कह रहा हूँ। सो ये है नैनीताल के कुछ हालात दे सकते हो आप। अगर आप आते हो नैनीताल घूमने तो आउट ऑफ बाउंड्स जो एरिया हैं वहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं, सही कह रहा हूँ, खतरा हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग आते हैं, मैं बता रहा हूँ, हम तो यहाँ पे पार्क पे खड़े हैं, फिर भी ये पार्क भी बंद है वैसे तो ये, लेकिन पार्क में खड़े हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं पार्क में तो आते ही आते हैं पार्क के साथ, फिर जम करके इस एरिया में चले जाते हैं, सही कह रहा हूँ। तो जम करके इस एरिया में क्यों जाना है भाई, जब ऑलरेडी वहाँ पर लगाया गया है कि आउट ऑफ बाउंड्स है ये एरिया, क्यों, सही कह रहा हूँ, और ख़तरनाक है, डेंजरस एरिया हो चुका है अभी, तो यहाँ पर क्यों जाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक कब क्या पता कब चले जाए ये जो पूरी दीवार है पूरा अंदर, कब चले जाए साल के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। सो ये है कुछ नैनीताल लेक का व्यू, यहाँ पे से देख सकते हो आप सामने उधर, यहाँ पर है ये है बस स्टैंड सामने नीचे, इधर से आप लोग एंट्री लेते हो। ये है मॉल रोड और ट्रॉली, ये है ट्रॉली जो आपको स्नो व्यू ले जाने में मदद करती है।